खबर कोंट से, जहां कोतवाली क्षेत्र के ग्राम धनौरा में गांव का ही एक युवक द्वारा नाबालिग किशोरी को भगा ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। कमोवेश ऐसा ही एक और मामला कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अटा में सामने आया है, जहां परिवार का ही एक नाबालिग अपने से उम्र में बड़ी नाबालिग किशोरी को भगा ले गया है। ग्राम धनौरा निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए गांव के ही युवक पर उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। घटना 24 सितंबर की रात्रि की है, जब किशोरी के परिवार के लोग घर में सो रहे थे। अगली सुबह घर से उसकी 15 वर्षीय पुत्री गायब थी। काफी खोजबीन की परंतु उसका कहीं पता नहीं लग सका। तभी गांव के ही एक युवक ने किशोरी के परिजनों को बताया कि गांव के ही गोपाल पुत्र संतोष का उसके पास फोन आया था कि उसकी बाइक उरई बस स्टैंड के पास खड़ी हुई है। यह भी बोला कि वह एक लड़की के साथ आगरा जा रहा है। किशोरी के परिजनों को आशंका है कि गोपाल उर्फ मानवेंद्र ही उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया है। किशोरी घर से 9000 रुपए नकद ले गई है, वह सोने चांदी के कुछ जेवरात भी पहने हुए है। किशोरी के पिता ने आशंका जताई है कि उसकी पुत्री के साथ कोई घटना घटित न हो जाए। उसने पुलिस से जांच कर उक्त युवक के खिलाफ कार्रवाई करने व उसकी पुत्री को वापस दिलाए जाने की मांग की है। दूसरा मामला ग्राम अटा के है, जहां के एक व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 2 दिन पूर्व पड़ोस का ही एक 16 वर्षीय किशोर, जो कुटुंब का ही है, उसकी 17 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने किशोरी को हस्तगत करने के लिए किशोर के परिजनों पर दबाव बनाया और उसके पिता को कोतवाली उठा लाई। बाद में गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों और किशोरी के परिजनों की सहमति के बाद उसे इस शर्त पर जाने दिया गया कि वह किशोरी की खोज करके पुलिस को बताएंगे। ग्राम धनौरा, नीरज राठौर नाम है हमारा। क्या मामला है आज थाने में जो शिकायत हुई? रात में 12-1 के बीच में हमारी लड़की को कोई बगल वाले जो है मोहल्ला पड़ोस के लड़के ले गए हैं। उसका नाम है गोलू निरंजन उर्फ मानवेंद्र पटेल। पुलिस से शिकायत की है? रात में 6 बजे हम दरखास्त दे के गए हैं पुलिस को, तो अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी पुलिस से शिकायत की है तो क्या नहीं है अब हम पुलिस